संस्थान नगरी स्थापना दिवस। वाह बच्चों, तुमने तो आनंद नगरी स्थापना दिवस की बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। बहुत अच्छी धुन बजाई। हाँ ये भी कोई धुन थी क्या? धुन तो हमने बनाई है, क्यों भोंदू? चंपू, हमने धुन कब बनाई? इसकी तो आदत ही है मजाक करने की। भोंदू, मैं शुरू करता हूँ, तू बस ढोल बजा। बंद करो ये बेसुरा राग, वरना संगीत से लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। चंपू भोंदू का फट गया ढोल, खुल गई इन दोनों की पोल। बच्चों, तुम सब जानते हो आज आनंद नगरी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि गुरुजी, हजार साल पहले आज ही के दिन राजा वीर प्रताप ने आनंद नगरी की स्थापना की थी, और तभी से हर साल स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सही कहा बच्चों, और रात को हम प्रकाश उत्सव मनाते हैं और पूरी आनंद नगरी को रोशनी से सजाते हैं। जानते हो क्यों? जी गुरुजी, आनंद नगरी के राजा वीर प्रताप ने अंधेर नगरी के राजा दुर्भाव को बुरी तरह हराया था। आनंद नगरी में इस ऐतिहासिक जीत को अंधेरे पर रोशनी की जीत माना जाता है, और इसी जीत को हम प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। सही कहा किसना, और तभी से हर साल हम आनंद नगरी के कोने कोने में प्रकाश करके इस उत्सव को मनाते हैं। गुरुजी, हम आज भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ बल्लू, इसीलिए तुम सब बच्चों के लिए आनंद नगरी मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अब हम सब वहीं चलेंगे, आओ। चलो चलो। आज स्थापना दिवस के अवसर पर दिए बनाने की प्रतियोगिता होगी। विजेता को पुरस्कार भी मिलेगा, और वो अपने बनाए दिए ले जाकर अपना घर भी सजा सकता है। हम ढेर सारे दिए बनाएंगे, रात को रोशनी भी तो करनी है। आज रात आनंद नगरी में कहीं भी अंधेरा नहीं होगा। दिए बनाना, फिर उन्हें धूप में सुखाना, और फिर उन्हें रंग कर सुंदर बनाना, क्या हम ये काम दल बनाकर करें? बिल्कुल सही कहा किसना, मिलजुल कर कोई भी काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बच्चों, अपने अपने दल बना लो, लेकिन एक दल में चार से ज्यादा बच्चे ना हो। जो दल सबसे ज्यादा दिए बनाएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। गुरुजी, हमारे दल में होंगे राधिका, सुधि, बल्लू भैया और मैं। चंपू, हमें भी दो साथी और चाहिए ना? माला और बाला को अगर हम अपने दल में शामिल कर ले तो? माला, बाला, अगर हम जीत गए तो जो भी पुरस्कार मिलेगा वो तुम दोनों ले लेना। चंपू, तुम बाद में बेमानी तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना भोंदू? हाँ हाँ चंपू, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बना है ना? अब देखो मैं क्या बनाता हूँ। ये देखो, ये दिया है या कढ़ाई? भैया, दिए में बाती जलानी है, पूरियां नहीं तलनी। कितने धीरे धीरे काम कर रहे हो सुधि, लाओ मैं बनाता हूँ। टोटो, दिए बनाने हैं, फोड़ने नहीं हैं।
किसना, इस तरफ के दिए सूख गए हैं। तो चलो अब उन्हें रंगते हैं। किसना, ये देखो, मैंने इस दिए को इंद्रधनुष जैसा रंग दिया। ये देखो। वाह टोटो, तुमने टोटो दिया बना ही दिया। बस बच्चों बस, समय समाप्त हुआ, अब बारी है इन्हें गिनने की। अब मोहन जी सब दलों के दिए गिनेंगे। बिट्टू के दल ने बनाए हैं 70 दिए। चुन्नी के दल ने बनाए हैं 80 दिए। चंपू और भोंदू के दल ने बनाए हैं। मैं गिनता हूँ, मैं गिनूंगा। अरे अरे चंपू भोंदू संभल के। मैं गिनूंगा। अरे चंपू भोंदू क्या कर रहे हो, संभालो ये गिर जाएंगे। और किसना के दल ने बनाए हैं पूरे 101 दिए। तो इस प्रतियोगिता का विजेता है किसना का दल। बच्चों अब तुम सबको घर जाना चाहिए, आज रात के प्रकाश उत्सव की तैयारी भी तो करनी है ना। अपने बनाए दिए तुम साथ ले जा सकते हो, जाओ। जी गुरुजी। बहुत मेहनत की है मेरे बच्चों ने, लो कुछ खा लो। हम सबके घर तो सज गए। अब जल्दी शाम हो और प्रकाश उत्सव मनाया जाए। रोशनी ज्ञान और खुशी का प्रतीक है। अब हम हर साल की तरह प्रकाश उत्सव में रोशनी के गुब्बारे आसमान में उड़ाएंगे। त्रिकाल, आनंद नगरी के लोग प्रकाश उत्सव मना रहे हैं और हम यहाँ अंधेरे में बैठे हैं। महाराज महाराज चिंता मत कीजिए, इस अंधेरे से ही होगा मेरा नया आविष्कार। तुमसे कुछ नहीं हो सकता त्रिकाल, मैं कभी आनंद नगरी पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा। अंधेर नगरी की किस्मत में सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। मैं इसी अंधेरे को अपनी ताकत बनाऊंगा महाराज। मैं इस अंधेरे से एक ऐसा दानव बनाऊंगा जो आनंद नगरी की सारी रोशनी छीन लेगा। कमालम धमालम चमत्कारम त्रिकालम। हमारे पूर्वज राजा दुर्बाहु तो आनंद नगरी को जीत नहीं पाए, लेकिन आज समय है उस अपमान का बदला लेने का। जाओ अंधकार और आनंद नगरी में अंधेरा कर दो, छीन लो उनकी रोशनी। Thank you.
हो गया? कुछ गड़बड़ है। ये जरूर त्रिकाल की चाल है। गुरुजी, एक अंधेरे का दानव हमारी रोशनी को निगल रहा है। अंधेरे का दानव? अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश को नहीं हरा सकता। लेकिन अभी तो प्रकाश है ही नहीं गुरुजी। गुरुजी, हम इस अंधकार से कैसे लड़ सकते हैं? आओ मैं बताता हूँ।